कांग्रेस ने इस बार उत्तर विधानसभा से आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील पर अपना विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। इधर टिकट मिलने के बाद आतिफ अकील ने मीडिया से कहा कि सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे वालिद ने इस विधानसभा को 6 बार जीता, लेकिन जो व्यवहार बीजेपी ने नए भोपाल और पुराने भोपाल को बांट कर किया, उसमें सुधार करेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जी भैया, जनता ने जनता का आशीर्वाद मिलेगा क्या? कांग्रेस ने तो टिकट घोषित कर दिया। जनता का आशीर्वाद तो हमेशा से मिलता है, पिछले 6 इलेक्शन से। इस बार भी प्लेयर जो मिलना है वो मिलेगा। और मेरे वालिद जनाब आरिफ अकील साहब यहाँ से 6 बार के MLA हैं और आवाम ने उनको हमेशा पसंद करा है, और हमेशा 6 बार MLA होने के बावजूद लोगों ने हमेशा मदद करी, साथ दिया, सहयोग कराए, और शहर की जो गंगो जमनी तहजीब है उसको हम कायम रखेंगे। और ये हम लोगों की विरासत है, इसको हमें बचा के रखना है, और ये विरासत जो है ये उत्तर विधानसभा, उसको हमें संभाल के रखना है। जो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहने के कारण 18 साल से जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कहीं ना कहीं जो सौतेला व्यवहार नए और पुराने शहर के अंदर हुआ है उसको हम कम करेंगे, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पुराने शहर के अंदर जो काम नहीं हो पाए उनको पूरा करेंगे। मैं वही कहना चाहूंगा कि आवाम वर्सेस बीजेपी का प्रत्याशी है। आवाम इलेक्शन, मेरे वालिद को भी पहले इलेक्शन निर्दलीय भी लड़ाया, तब भी आवाम ने इलेक्शन जिताया, और अभी भी आवाम ही जिताएगी और आवाम ही चुनाव लड़ाएगी। जो कुछ बचे हुए काम रह गए, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स नहीं बन पाए, कुछ स्कूल और ए ग्रेड क्वालिटी के होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं कमी पेशी हो रही है, हॉस्पिटलिटी और अच्छी होनी चाहिए, जो 2-3 मुद्दे हैं वो होने चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा पूरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।